Assalamualaikum. My name is Dr. Siddhar Ismail from Department of Rehabilitation Sciences. Ziauddin Hospital providing many facility and now we are starting a new program that is cardiopulmonary rehab. Cardiopulmonary rehab is a conditioning program जिसमें patient हमारे पास जब आता है तो हम उसकी initial assessment करते हैं, जिसमें हम उसके risk factor जो है उसको stratified कर लेते हैं. Then फिर उसके बाद cardiac rehab के चार phases होते हैं. Phase 1 is a inpatient phase. Phase 2 is a outpatient phase. Phase 3 and phase 4 is a maintenance phase. फेज़ वन में पेशेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है. फेज़ टू में पेशेंट को हम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं जो बेसिकली 3 to 7 days के लिए होता है. फेज़ थ्री एंड फेज़ फोर जो है वो हमारे पास 3 to 6 months के लिए होता है. इसमें फिर उसके बाद हम पेशेंट को सारी वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो उसकी एरोबिक कैपेसिटी ज्वाइंट इंटीग्रिटी को इन्हेंस करता है. जितने भी पेशेंट आते हैं वो क्रॉनिक कंडीशन के साथ आते हैं. ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा हो गया, COPD हो गया. इन सारे पेशेंट्स की मेनली जो कंप्लेन होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसकी वजह से उन्हें वॉकिंग में और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा होता है. इसमें ना सिर्फ हम उनकी अपर लिम की एक्टिविटी, लोअर लिम की एक्टिविटी, बल्कि हम उनकी इस कंप्लेन को भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एट द एंड ऑफ रिहैब सेशन हम उन्हें होम प्लान प्रोवाइड करते हैं जिसे वो घर पर फॉलो करते हैं, और हम उन्हें ये भी गाइड कर देते हैं कि उन्हें कंसल्टेंट से फीडबैक के लिए कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट में रहना है ताकि उन्हें उनके सिम्टम्स के बारे में नो हाउ हो.